अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं सदफ एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं जो रेमेडी लेकर आई हूं वो मैं लेकर आई हूं बालों के लिए, ड्राई बालों के लिए। लेकिन फ्रेंड्स, इसमें एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि ये उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है जिनके बाल ऑलरेडी सिल्की हैं, क्योंकि सिल्की बालों वाले अगर इसे यूज़ करेंगे तो उनके बाल डैमेज हो जाएंगे, ड्राई हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों के बाल डैमेज हैं, ड्राई हैं, चाहे वो लड़की है, लड़का है, कोई भी है, तो वो इस रेमेडी को यूज़ कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। सबसे पहले है 3 केले। बहुत ज़्यादा जो पके हुए केले होते हैं, उन 3 केलों को मैंने लिया है। उनको मैंने लेकर और इसको मैंने जाली के कपड़े से छान लिया, मैश करके छान लिया है, तो वो इस तरह के हो गए हैं। जाली के कपड़े से अगर आप निकालेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, वरना आप ग्राइंडर से ग्राइंड भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे जाली के कपड़े से ही हमेशा निकालती हूँ। उसके अलावा दूसरा इंग्रेडिएंट है दूध। तीसरा इंग्रेडिएंट है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल फ्रेंड्स, मैंने इसमें ये फ्रेश एलोवेरा जेल यूज़ किया है। इसको मैंने काट के और इसके अंदर से इसका पल्प निकाल के इसको मैंने मैश कर लिया है। लेकिन क्योंकि ये मेरे घर में लगा हुआ है, मेरे गार्डन में, इस वजह से मेरे पास तो ये फ्रेश अवेलेबल है। लेकिन अगर आप लोगों के पास ये नहीं है तो टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, बाज़ार में मिल जाती है ये जेल। एलोवेरा जेल जो बाज़ार से मिलता है ये भी आप यूज़ कर सकती हैं। तो ये आप 2 स्पून यूज़ कर लीजिए। इसके बाद इसमें इस्तेमाल होगा कैस्टर ऑयल, ये भी आपको पंसारी की दुकान से बहुत आसानी से मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं इसको बनाना। ये जो मैंने 4 चम्मच एलोवेरा जेल लिया था, ये भी मैं इसमें डाल दूंगी। और अब हम लेंगे दूध, दूध भी हम डालेंगे। ये मैं इसलिए कर रही हूँ, ये 8 स्पून हो गए, ये फ्रेंड्स मैं इसलिए कर रही हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को पता चले कि एग्जैक्ट दूध कितना डाल रहा है। आप ये मेरी स्पून देख लें, ये छोटी स्पून है। ये दूध इसलिए डाला जाता है कि इसका अच्छा टेक्सचर बन जाता है और दूध बालों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो फ्रेंड्स, इसको हमने डाल लिया, अब हम डालेंगे कैस्टर ऑयल, ये भी हम डालेंगे 2 चम्मच। फ्रेंड्स, अगर आपके बाल लंबे हैं तो आप इसमें इसकी मिकदार ज़्यादा कर सकते हैं दूध की। तो फ्रेंड्स, हमने ये डाल लिया, इसको अब हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद फ्रेंड्स, आपने इसको बालों पे अप्लाई करना है, और अप्लाई करने के बाद आपने इसको 2 घंटों के लिए छोड़ देना है। 2 घंटे लगाने के बाद आप इसको वॉश कर लें ठंडे पानी से या गर्म पानी से, जिस तरह से आपको ईजी लगता है। इसको वॉश करिए फ्रेंड्स, इससे बाल बहुत ज़्यादा सिल्की हो जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं। जिनकी डैमेज होते हैं उनके बालों को ये अच्छे से रिकवर करता है, लेकिन जिनके बाल सिल्की हैं, प्लीज़ 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 वो इसको ना लगाएं। तो फ्रेंड्स, इसको यूज़ करिए, सुपर ग्लॉसी हेयर्स आपको मिलेंगे। अगर आपको मेरी ये रेमेडी पसंद आई हो तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।